वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन प्रेस के बिना मत जाना, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी आपको अपडेट करता है। चाहे कुछ भी हो, टाइम निकाल के आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर भेजता है। चाहे वो कुछ भी हो सकती है, किसी स्टॉक की कॉल हो सकती है, किसी स्टॉक पर न्यूज़ का अपडेट हो सकता है, इंडेक्स पर, निफ्टी पर कुछ हो सकता है, बैंक निफ्टी पर कुछ हो सकता है, फिन निफ्टी पर कुछ हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आपको टाइम से अपडेट मिलेगा। इट्स माय कमिटमेंट। फॉर एग्जांपल आज का ही देखिए, लास्ट के 15 मिनट बचे थे, लेकिन मुझे अपनी फैमिली की फिक्र थी। जहां मेरे लेवल्स मैच किए, जहां पे मेरी कैलकुलेशन मैच करी कि यहां पे बाइंग बनती है, तो मैं भागा हुआ गया और भाग के आपके सामने एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया और आपको अपडेट किया। तो जिन लोगों ने उस कॉल को देखकर इनिशिएट लिया, बाय किया, उनके लिए वेल एंड गुड। उम्मीद करता हूँ इस ट्रेड में उनका एक अच्छा प्रॉफिट होगा। जो नहीं ले पाए, डोंट वेरी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट डेली ओपन होती है। ये बात हमेशा याद रखना जो मैं डे वन से बोलता हूँ। मार्केट डेली खुलती है, महीने में 22 दिन खुलती है और अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है इस मार्केट में गाइस, इसको इग्नोर मत करना कभी भी। दूसरी बात, डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इतना टफ प्रोसेस होता है ना, बहुत कुछ मैं झेल रहा हूँ, मैं आपको अपडेट नहीं कर सकता हूँ गाइस। मैंने कल आपको एक मॉर्निंग में अपडेट दिया था और मेरा व्यू जो था पूरे वीक में एक बुलिश साइड था। मुझे एक बाउंस लग रहा था, जो अच्छा खासा बाउंस लग रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वही देखने को मिला, एक हैंडसम बाउंस देखने को मिला जहां पर बाकी लोग निगेटिव थे। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे अपडेट आ रहे थे, मेरी वीडियो को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने बोला कि मार्केट क्रैश करने वाला है। और कुछ यूट्यूबर का तो मैंने देखा, मेरे पास दिखाई दिया, मुझे कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, मेरे क्लाइंट्स ने भेजे, उन्होंने मुझसे कहा देखो ये तो क्रैश के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरे पैरामीटर ये कह रहे थे कि मार्केट में एक बाउंस आएगा मंडे, और मैं आपको फ्राइडे से ही इसके लिए अपडेट कर रहा था। बट हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं हो पाया, सबसे अच्छी बात है हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया, जो कि हर कोई मार्केट में नहीं करता है। तो बिल्कुल अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट डेली खुलती है, इस बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि 320 पे एग्जीक्यूट हुआ होगा। अभी भी नहीं हुआ होगा तो कल फिर मौका मिलेगा, कल मिलेगा, बजट के दिन मिलेगा, उसके बाद मार्केट, फेड की पॉलिसी, ये वो बहुत कुछ आता है गाइस। मार्केट डेली खुलती है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अच्छा करेंगे, मिलकर करेंगे और ये हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है गाइस। मुझे, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को प्रमोट कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, ये मेरी कमिटमेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के लिए रिकमेंड करेंगे तो बिलीव मी गाइस, वो आपसे 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको स्पेशल थैंक्स बोलने वाला है, इसलिए कि आपने उसको सही डायरेक्शन में एक चैनल गाइड किया जो एक्चुअल में डिफरेंट है बाकी सब चैनल से। उस इस चैनल का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। आज रियलाइज नहीं हो रहा तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा गाइज, रियलाइज होगा जहां पे बड़े बड़े मोमेंट हम कैच करने वाले हैं। तो गाइज मिलकर चलेंगे, मिलकर बढ़ेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है। और मैं एक बात और बोलता हूं, मेरा अभी तक कोई भी टेलीग्राम चैनल किसी तरह का नहीं है। आपको अगर कोई भी किसी तरह के मैसेज ड्रॉप करता है, प्लीज उसको ब्लॉक कीजिए, उससे कम्युनिकेट मत कीजिए। क्या होगा कल, क्या बजट का इंपैक्ट आएगा, क्या प्री बजट रैली स्टार्ट हो गई है, क्यों भागा रिलायंस, अदानी में क्यों है तेजी, इन सब के आज क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं शाम को आपको, जब 9 बजे कल के लिए आउटलुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी तो स्टार्टिंग है गाइस, पिक्चर पूरी बाकी है। जब तक मेरे पैरामीटर नहीं फिट बैठेंगे, मेरी कैलकुलेशन, प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं फिट बैठेगी, मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, मैं फालतू में रिकमेंड नहीं करूंगा। वेट करना सीखिए, मौके पे चौका मारना है, शेयर की तरह सोचना स्टार्ट कीजिए। मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको रिकमेंड करता हूँ, शेयर की तरह सोचिए,
बैठिए, अपनी जगह बैठ जाइए, आराम से वेट करिए, सब्र रखिए। जब शेर आपको, शिकार आपकी रेंज में आ जाए तो आपको टूट पड़ना है उस पर उसी फोर्स के साथ। जब शेर छोटे शिकार करता है तो उसकी पावर सेम होती है, जब बड़ा शिकार करता है उसकी पावर सेम होती है, वो जाने नहीं देता, ऐसी पकड़ बनाता है। मैं बार बार आपसे एक चीज बोलता हूँ कि आपके अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपीज है तो आप उसके 25% की पोजिशन बनाओ। आज भी मैंने यही रिकमेंड किया। तो बड़ा प्रॉफिट बनाना है, बड़े बड़े कैलकुलेशन निफ्टी की कॉल में लेने या बैंक निफ्टी की कॉल में पुट में हमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो उसके लिए हमारी पोजीशन साइजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर पोजीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम उसमें वेट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार, मेरे सर आंखों पर आपका सपोर्ट। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करता हूँ जो आज आपने 3:20 पर पोजीशन बनाई है तो कल आपकी वो प्रॉफिट में निकलनी चाहिए। नहीं भी निकलेगी, अगर स्टॉप लॉस भी होगा तो डोंट वेरी, मैं हूं यहां पर, मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। मैं अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। चलिए मेरे साथ जुड़िए मेरे साथ एक ऐसी जर्नी पर जो स्टार्ट हुई है पिछले 2 महीने में। इस 2 महीने में बहुत कुछ बदला है, अगर डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर कहोगे कि पिछली बातें ही गुणगान करता रहता है। लेकिन जिन लोगों को वो प्रॉफिट हुआ है ना गाइस, उनके दिल से पूछना, जब 100 रुपीज का प्रीमियम 2,000 रुपए हो गया, किसी ने आज तक इतना बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है किसी भी यूट्यूब चैनल के पास में 100 रुपीज का प्रीमियम अगले दिन 800 रुपए ओपन हुआ, मैंने 750 में प्रॉफिट बुक किया, 800 में बुक किया, मेरे व्यूअर्स ने 800 तक में प्रॉफिट बुक किया। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न था, 10 times हो जाना स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। ये तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताऊंगा, मिलता हूं मैं आपको शाम को। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कनेक्टेड मी, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, लव, एवरीथिंग। और प्लीज पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और जो हो चुका है उसको भूलिए मत, लेकिन जब मार्केट में आप उतरे तो उसको माइंड में मत रखना। लेकिन ओवरथिंकिंग करना, लेकिन ओवरथिंकिंग ऐसी ना हो कि आपके अगले एक्शन पर उसका इंपैक्ट आए। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, मिलता हूँ शाम को, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।